रास्ते पहले उस साइड पे थे लेकिन अब ये पानी ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से वो रास्ता ख़राब हो गया। हम नीचे से थोड़ा चल के पार करते हैं। अच्छा जी, अभी तकरीबन 6:35 हो चुके हैं और बाकी लोग अभी सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो बना लिया जाए। एक अच्छा टाइम है, बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। इंशाल्लाह हम लोग इधर से 7:30 निकलेंगे, नाश्ता वगैरह करके गाड़ी से यहाँ से निकलेंगे। वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं डाल दूंगा वीडियो में। तो वहाँ पर जाएंगे गाड़ी के जरिए और वहाँ से इंशाल्लाह पैदल हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिन का हमारा ये टोटल सफ़र है, ट्रैक है, वो हम करेंगे 5 दिन में और कुमराट जाकर ये सफ़र हमारा ख़त्म होगा। रास्ते में जो भी झीलें वगैरह आती हैं, वादियाँ वगैरह आती हैं, मीडोज वगैरह आते हैं, उन सब की हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे और इंशाल्लाह अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ वगैरह जो आपने नहीं देखी हुई हैं। आप वहाँ नहीं जा सकते लेकिन हम लोग वहाँ जाकर आपके लिए वीडियोज़ बनाएँगे और आप लोगों को दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वक्त मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और वो जो सामने पहाड़ हैं, बिल्कुल 2 पहाड़ हैं, वो बिल्कुल इस वक्त नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो बादलों के साथ बिल्कुल वो घिरे हुए हैं इस वक्त। आप नहीं आ रहे? कुछ बड़ी काफी मजबूरी है मेरे पांव की, पिछले दफा वो शूज खराब था उसकी वजह से वो जो ब्लस्टर बन गया है वो शूज नहीं पहन सकता हूँ, वरना मैं फिर चल नहीं। कोई नहीं, आपका बेटा आ रहा है ना? हाँ, हमने इसको भी ट्रेन करना है ना फॉर द फ्यूचर, तो हम ये लगाए। सही है, ठीक है खान साहब, दुआओं में याद रखना। अभी हमने कलाम से ट्रैक शुरू किए और अभी हम चिराट व्हील में पहुंच गए। इधर गाड़ी का हवा चेक करके आगे चलते हैं, तो इसके बाद पालीर वैली, शोरन वैली, शोरन वैली के बाद पालीर वैली है और वहां से हम मजदूर अपने साथ पोर्टर भी उठाते हैं और फिर उससे आगे उतरोर वैली है, उतरोर से हम आखिरी लदू में स्टॉप करते हैं और लदू से इंशाल्लाह हम पैदल ट्रैक शुरू होते हैं कंडोल तक। कंडोल में हम कैंप करते हैं, पहला स्टॉप जो है हमारा वो कंडोल। हाँ, पहला स्टॉप कंडोल है हमारा, आज का कंडोल स्टॉप है हमारा। बर्तन वगैरह, बिस्तर वगैरह, ये पोटर वगैरह उठाते हैं वो इधर, पोटर 4 पोटर हैं जो हम इधर से लेकर जाएंगे, मान हमारा लेकर जाएंगे, बर्तन वगैरह ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे। भी बस निकल रहे हैं यहाँ से।
अच्छा, तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इन्होंने टेम्परेरी ब्रिज बनाया हुआ है। जो ब्रिज है असल में वो अभी बन रहा था, तो अभी जो न्यूज़ आ रही है कि ब्रिज पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है और फुली ऑपरेशनल है। तो अभी आप कंडोल लेक जाते हैं तो आपको इस ब्रिज से नहीं गुजरना पड़ेगा। और ये जो ब्रिज है ये तो इन्होंने कोई दरख्त काट कर रखा हुआ है और उससे आ जा रहे हैं। दूसरों का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मेरी हालत ज़रूर टाइट हो गई थी यहाँ पर। यहाँ से थोड़ा सा पैर फिसला तो यहाँ से आप नीचे नहीं जाएंगे बल्कि सीधा ऊपर जाएंगे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे और मैं अभी इसी कैफियत में था कि मेरी बारी आ गई। और कोई चारा भी नहीं था तो जो दुआएं मुझे आती थी सारी पढ़ ली और अल्लाह का नाम लेकर पहला कदम रख दिया। और अल्लाह अल्लाह करके हमने क्रॉस कर ही लिया ये ब्रिज। और ये जो आप मशीनरी वगैरह देख रहे हैं ये असल में इधर जीप ट्रैक बना रहे थे, पूरी तरह से बन चुका है और फुली ऑपरेशनल है। और अभी आप कलाम से कंडोल लेक जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल चलना नहीं पड़ता, तो आप कलाम से जीप कराएंगे जो आपको कंडोल लेक उतार देगी। पहले आपको लाडो विलेज में जीप उतारती थी, लेकिन अब जीप ट्रैक मुकम्मल हो गया कंडोल लेक तक और अब आप जीप में कंडोल लेक आसानी से आ सकते हैं। She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. क्या तस्वीरात हैं आपके हमारे साथ? पहला आपका ट्रैक है हमारे साथ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी। अच्छा एक्सपीरियंस है, सही। ऐसा ऐसा हम बुरुंदी की तरफ जा रहे हैं, सही। तो ये सफ़र हम ज़रा रुक रुक के तय कर रहे हैं ताकि सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो, सही। जब फील होता है कि हमें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है उस वक्त हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और 10-15 सेकंड का वक्फा करके उसके बाद फिर आके हम चलते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गाइड ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। स्टे करते हुए आए हैं बीच में, थोड़ा सा चलो आप स्टे करो ताकि सांस ना चढ़े आपको और आपकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तेज़ ना हो। स्टे करते हुए आराम आराम से आएँ तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आओगे। तो दोनों का हमारे साथ पहला ट्रैक है तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। चलो, लेकिन थकावट थोड़ी सी हो गई है, लेकिन अगर बंदा रेस्ट कर करके आए तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी जो ऊपर जाके चीज़ देखनी है वो सारी थकन दूर हो जाएगी। ये हमारे डीकेडी साहब हैं और कैमरामैन भी हैं। हेलो, ये बहुत थके हुए हैं, थके हैं किधर, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा गियर उन्होंने उठाया हुआ है सारा, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये देखिए आप, ये कुछ भी नहीं हुआ, सारे पांव तक ये लदे हुए हैं। असल में हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, बैक पैक उठाया हुआ है वो भी कैमरे के इक्विपमेंट से भरा हुआ है, मुख्तलिफ लेंसेज हैं इनके, अपना फेशियल मास्क वगैरह वो भी इसी के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी ये बहुत ही थके हुए आपको नजर आ रहे होंगे, चेहरे के तासरात भी देख लें। बस क्या करें, रोजी रोटी कमानी है। पीछे बैकग्राउंड में रास्ता नजर आ रहा है, ये जहाँ से ऊपर धक्के खाते हुए आए हैं वो हमारे पास ये अवदार साहब खड़े हैं नीचे, आपके साथ ये भी ज़रा थके हुए लग रहे हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है नीचे से जहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये सारा बैकग्राउंड में वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर आए थे। Stumbling out of bed, what hell of a roller coaster. You messing with my head, I'm ending up so clueless. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me what do you want?
तो इधर बैठकर हम लोग ये सोच रहे थे कि लेक पर पहुंच गए हैं तो इधर ही कहीं साइड पर कैंप लगा लेंगे और आराम से सोएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं। तो सदाम हुसैन ने बताया कि पहले कैंप साइड पर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब से लेक में पानी ज़्यादा हुआ है तो वो रास्ता भी ख़त्म हो गया है, तो हमें कैंप साइड पर जाने के लिए झील में से गुजरना पड़ेगा। हाँ, अभी हम कंडोल लेक आए, रास्ते पहले उस साइड पे थे लेकिन अभी पानी ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से वो रास्ता ख़राब हो गया, तो हम इस साइड पे आए हैं। अभी कंडोल से जो ये पानी निकल रहा है इस पानी को हम क्रॉस करके कैंप साइड पे चलते हैं। हम नीचे से थोड़ा चल के पार करते हैं और कैंप साइड पे चलते हैं और आज हम इधर स्टे करते हैं, कल हम दूसरे ट्रैक पर निकलते हैं। पेशे खिदमत है कलाम की खूबसूरत तरीन लेक कंडोल लेक। आज हम तकरीबन एक घंटा पहले यहाँ पर कंडोल लेक पहुँचे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, बाकी दुनिया से अलग थलग, बिल्कुल एक अलग दुनिया है ये। अच्छा लगता है कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है। यहाँ आने का रास्ता जो है वो कोई इतना दुश्वार नहीं है, तकरीबन 15 किलोमीटर हम यहाँ पर जीप पे आए थे, तो आगे तकरीबन 2 घंटे हमने जो है वो हम पैदल आगे यहाँ पहुँचे हैं। तो इसकी खूबसूरती जो है वो अल्फाज में तो बयान नहीं की जा सकती। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि यहाँ पे आप कम से कम कैंपिंग करें यहाँ पे, और जो ठंड है यहाँ पे रात को होती है हल्की हल्की उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो है सुबह का जो मंज़र है यहाँ का वो बहुत खूबसूरत होता है, तो उससे अगर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो यहाँ आएँ और एक रात कम से कम आप बसर करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो फिर आप सुबह टाइम जो है उसको ज़रा इस तरीके से मैनेज करें कि सुबह जल्दी निकलें कलाम से, ताकि आप जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएँ। कम से कम यहाँ पर 4-5 घंटे आप गुजारें ताकि आप इस खूबसूरत और जन्नत नज़ीर जगह को देख सकें और जहाँ इसके जो मनाजिर हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शाम होने वाली है, तकरीबन 6:50 हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। खाना जब तक बन जाता है तब तक खाना खाते हैं।
दरवाजा बंद कर दे भाई।